43 वर्षीय भुवनेश सेंगर ने पारंपरिक खेती के बजाय इस क्षेत्र में कुछ नया करने की ठानी। सात समंदर पार थाईलैंड की हाइब्रिड नस्ल के अमरूद को अपने खेत में लगाने का विचार किया। पहले इंटरनेट पर इसकी जानकारी जुटाई, खेती के संबंध में रिसर्च की। उनके मित्र कृषि विशेषज्ञ लक्ष्मण काग ने भी इस कार्य में उनका सहयोग किया। आखिरकार अपने गृह नगर बड़वाह के पास छोटी माचलपुर स्थित अपने खेत में थाई अमरूद की खेती शुरू की। नतीजतन निमाड़ में भी अब थाईलैंड में होने वाले अमरूदों का स्वाद लोग चख पाएंगे। अमरूदों की पहली खेप निकल आई है। सेंगर ने बताया कि शुरुआत में खेती करना बड़ा मुश्किल था। रायपुर से VNR कंपनी के थाई अमरूद की प्रजाति हाइब्रिड बीज बुलवाकर उसे अपने खेत में लगाया। करीब 2 साल की मेहनत के बाद अब यह अमरूद बिकने को तैयार है। खेत में निकले अमरूद का वजन 800 ग्राम से लगभग 1.5 किलो तक का है, जो आमतौर पर यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसका स्वाद भी मीठा है, इसके लिए दिल्ली में अधिक डिमांड है। आजादपुर मंडी में इसे बेचा जाएगा। निमाड़ क्षेत्र के लिए इस तरह की खेती चर्चा का विषय बन गई है। आसपास के किसानों सहित फल उत्पादन में रुचि रखने वाले किसान भी थाई अमरूद की खेती देखने प्रतिदिन आ रहे हैं। इस तरह की खेती क्षेत्र के किसानों को पारंपरिक तरीके के साथ साथ उत्पन्न तकनीकों व प्रजातियों के बीजों व किस्मों में प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी। कृषि विशेषज्ञ लक्ष्मण काग ने बताया कि इस तरह की खेती क्षेत्र के लिए नई है। शुरुआत में इस प्रजाति को लगाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इंटरनेट से जानकारी जुटानी होगी, जिसमें पता चलेगा कि पौधे की देखभाल व काट झाट का तरीका कैसा होता है। 2 लोगों को इसकी ट्रेनिंग के लिए रतलाम भी भेजा गया है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते गए, उनकी टहनियों की काट झाट भी की गई, जिसे प्रूनिंग कहा जाता है, ताकि फलों की संख्या का निर्धारण हो। जब फल आने लगे तो कीटों से बचाने के लिए उसे फोम नेट, पॉलिथीन व पेपर की 3 लेयर से कवर किया गया। इसकी क्वालिटी बेस्ट होती है, साथ ही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के द्वारा इसका स्वाद भी देसी अमृत से बेहतर होता है। बताएं आपने दिलचस्पी से कृषि के काम में दिलचस्पी दिखाते हुए जो 1 किलो 20 ग्राम का जो जाम उत्पादन किया है, ये क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बताएं। देखिए, वैसे तो मैं पत्रकारिता में रहते हुए, लेकिन एग्रीकल्चर से कृषि से मोहब्बत हो गई और उसको कहा कि अब करके देखते हैं, तो सोचा कि क्या करें। तो हमारे लक्ष्मण भाई जो हैं तिरुपति नर्सरी के, उन्होंने गाइडेंस दिया और फिर हम रतलाम गए थे जब देखने के लिए, तो लगा कि ये एक ऐसा फल है जो अपने क्षेत्र में हम प्रयोग के तौर पर करके देखते हैं। तो ये VNR का जो ये थाई अमरूद है, थाई वेराइटी है, जो लगभग जैसा कि आपने देखा है कि जो एवरेज है वो 800 ग्राम का एक फल है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1.25 किलो तक का निकला है। और इसकी खासियत ये है कि असल में इसकी शेल्फ लाइफ जो है, जो कीपिंग क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा है। यानी ये टूटने के बाद 15 से 20 दिन तक जस का तस रहता है, ख़राब नहीं होता है। और इसमें पल्प एरिया ज़्यादा है, बीज का एरिया कम है, तो ये एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है। तो हम करते गए और आज ये है कि इस मुकाम पर हैं कि न केवल दिल्ली, चूँकि दिल्ली तो होलसेल मार्केट है, लेकिन देश के कई हिस्सों में यह अमरूद जो है न केवल जा रहा है, बल्कि इसकी खासियत यह है कि दूसरों की तुलना में इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी निकल के आई है कि इसमें मिठास काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अमूमन थाई वेराइटी में नहीं होती है, उसकी लोगों को शिकायत होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने फर्टिगेशन का, उसका जो न्यूट्रिएंट्स का जो शेड्यूल है, वो इस तरीके से फॉलो किया है कि पूरे देश में सबसे सुप्रीम क्वालिटी बनी है। किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पारंपरिक खेती आप करते आ रहे हैं लगातार, उसमें कई बार जो भाव का उतार चढ़ाव होता है, और आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में या पूरे देश भर में जो किसानों की स्थिति होती है, क्योंकि उपज तो बहुत अच्छी है। भारत का किसान बहुत योग्य है, वो अपनी उपज इतनी ज़्यादा कर सकता है, और वही उपज की जो अधिकता होती है वही भाव के तौर पर उसकी समस्या बन जाती है। तो पारंपरिक खेती से हटकर आप थोड़ा भी अगर फल उत्पादन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जो किसान है उनके लिए एक अच्छा आय का साधन जो है वो बढ़ सकता है। उन्हें केवल एक पारंपरिक फसल पर निर्भर न रहते हुए मल्टी डायमेंशनल खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो जाम आ रहा है, क्या वैरायटी है, क्या क्वालिटी इसकी, और बताएं इसकी टेक्निकल जानकारी। ये जो वैरायटी है, ये VNR का थाई वैरायटी इसे कहा जाता है। इसे हमने आज जो इसकी उम्र है, 22 महीने की इसकी उम्र है, और प्रोडक्शन जो है टूट कर पैक होकर जो है वो दिल्ली के लिए, दिल्ली के मार्केट में जा रहा है। और इसकी साइज मतलब आज की तारीख में इसकी साइज जो है 800 ग्राम प्लस है, जो 1 किलो 200 ग्राम तक जो है जा रही है।